चले जी, इसका मतलब है कि हमारा हमने जो हमारा जो वेक्टर में सबसे बड़ा मेन मसला था वो क्या था? जब हम इन बिटवीन इंसर्ट करते हैं, जब हम इन बिटवीन इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे बता दिया फलानी वैल्यू के बाद इंसर्ट करना है, तो मसला ये आ रहा है कि एक तो हमें वैल्यू सर्च करनी पड़ती है, हमें सर्च करने में मसला ये है कि और हमें क्योंकि अगर इससे पहले करनी है या बाद में करनी है, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें वो वैल्यू सर्च करनी पड़ती है, राइट? तो ऐसा जिस प्रॉब्लम से हम चले गए थे हम उससे बाहर नहीं आए, हमने एक डायनामिक स्ट्रक्चर बना लिया है लेकिन अभी तक हम वही का वही है, ठीक है? हमारा जो वो बड़ा जबरदस्त वाला प्रॉब्लम था कि हमने एक इन बिटवीन इंसर्ट करना है, तो इन बिटवीन इंसर्ट करने में अभी तक हम वही का वही खड़े, सही है? हमने एक डायनामिक स्ट्रक्चर तो डायग्राम बना लिया जो कि एक साइड पे ग्रो करता बता रहा है, ठीक है? हम इन बिटवीन इंसर्ट भी कर लेते हैं लेकिन मसला ये है कि उसको रिसर्च करना पड़ता है, वो बहुत देर लगती है, ठीक है? वी हैव टू गो ऑल द वे टू रीच टू दैट लोकेशन एंड देन वी हैव टू इंसर्ट दैट वैल्यू। शिफ्टिंग नहीं करते, ये बड़ी जबरदस्त बात है, शिफ्टिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी, दैट्स नाइस, ओके? ऑलराइट, अच्छा अब जो अगला काम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह का है, वो आपको लगेगा ऐसे कि मेमोरी वाइज ये क्या खोता वाला काम किया, ठीक है? कि भाई अन्य बात उन्हें मेमोरी जाया था, ठीक है? लेकिन यू विल सी देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, ओके? व्हाट वाज लिंक्ड लिस्ट? कैन यू गिव मी द डेफिनेशन अगेन? यस, देन बंद। Can you give me the definition again? कि हमने जब सबसे definition की थी इस data structure की, तो हमने क्या कहा? What is a linked list? Linked list has a data story. All right. And what is a linked list? Linked list is recursively defined as the following. It has a data, and then there is another linked list. ठीक है, एन एड्रेस ऑफ एनदर लिंक लिस्ट जो कभी इससे आगे दोबारा नहीं पूछ, विच मीन्स के तकरीबन ये इसके बाद दोबारा से लिंक लिस्ट, इट हैज सिमिलर डेटा एंड देन अगेन अ लिंक लिस्ट, ठीक है? यस सर। अंटिल इट रीचेस टू टू सम लिस्ट व्हिच इज नन, ओके? यस सर। ये बात समझ गई? ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट की डेफिनेशन। सिंगली लिंक लिस्ट मीन इट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, ऑलराइट? सो फार सो गुड, ओके? ऑलराइट, द नेक्स्ट वेरी लिटिल चेंज व्हिच आई एम अबाउट टू मेक इज द फॉलोइंग। व्हाट इफ आई चेंज द डेफिनेशन, ओके? एंड द डेफिनेशन इज नाउ इज द फॉलोइंग। Okay, now the linked list has a data and then there are two directions. In this direction I have a linked list and also in this direction I have a linked list. You understand? Yes. Which means every dabba jo maine banaya tha it has a next pointer and it has a previous pointer, okay? ye samajh mein aa gayi baat? to hamari jo dabbe ki class thi usme sirf ek choti si change hai, wo dekhe jab apne dabbe ka jo next ka pointer rakha hua tha chakla hai, isi tarah apne ek aur dabba ka pointer rakha jiska naam previous hai, aur ab jahan tumhare paas जो कंस्ट्रक्टर पास होता था उसमें दो पैरामीटर पास होते थे, डेटा और नेक्स्ट। अब हम उसके अंदर तीन पैरामीटर पास करेंगे, एक होगा डेटा, एक होगा नेक्स्ट,
ये बात समझ आ गई? So now it has three things. One is a significant amount, which is called data. And then there is a language, which is next. We call it next. And we call this as previous. You must have done it. Everybody understand this? Okay? All right. हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम आपको याद है टेल वाला काम हमने किया डिलीट एट टेल है ना आप डिलीट एट टेल हम ऑफ वन में कर सकते कैसे प्रीवियस आ ठीक है और राइट अब हमारे पास क्या है ये देखो ये लिस्ट लिस्ट है ये डेटा है और उसके दो पार्ट्स है ठीक है और राइट सो This is again data और ये previous यही point कर रहा है और ये next ये next ये बात समझ एक option बना लेते हैं ये हमारे पास data है ये हमारे पास previous है which previous को point कर रहा है और ये हमारे पास next है लेकिन ये null can you tell me कि ये अगर front हो तो ये इसका नेक्स्ट तो इसको पॉइंट कर रहा है इसका प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है नल ठीक डू यू एग्री कि ये फ्रंट जो है फ्रंट के केस में जिसका नेक्स्ट है वो तो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा लेकिन इसका प्रीवियस है वो नल ये बात समझ ठीक है ऑलराइट पहले जो हमने डिलीट फ्रंट किया था अब डिलीट फ्रंट करना भी आसान है कैसे आसान है क्या सिर्फ हम फ्रंट को यहां करना तो बात खत्म हो जाएगी हमें इसके प्रीवियस को भी खत्म करना क्यों क्योंकि इसका जो प्रीवियस था हम सिर्फ फ्रंट को आगे नहीं कर सकते यदि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट है हम नेक्स्ट नहीं कर सकते वजह क्यों क्योंकि इसका प्रीवियस जो है वो अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है ये समझ में आएगा व्हाट शुड वी डू वी शुड मेक वन चेंज हियर जी वो जो भी क्या है कि ये जो मेरा नया फ्रंट बना है उसका प्रीवियस जो है वो क्या हो जाए नल और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जो डेटा है ये डेटा हम ठीक है हमने डाटा पहले डिलीट फ्रंट किया था डिलीट फ्रंट यहां पर भी होगा लेकिन यहां पर जो डिलीट फ्रंट है वो कैसे होगा डिलीट फ्रंट में ऑफ कोर्स एक काम ये करना है फ्रंट को आगे करना दूसरा काम जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि फ्रंट अब जिस जगह पर आएगा उसका जो प्रीवियस है वो आप इस जगह को पॉइंट नहीं कर सकते वो नल करना तो दूसरी अपडेट ये तीसरी अपडेट ये कि पुराना फ्रंट था वो हमने मेमोरी से डिलीट करना है और ये मेमोरी से डिलीट करना बहुत जरूरी है ये बात समझ ठीक है तो हमें पहले फ्रंट किसी शीट चंक में सेव करना पड़ेगा ताकि हम ये दोनों चीजें कर सके फिर उसके बाद डिलीट कर ठीक है तो यू अंडरस्टैंड डिलीट फ्रंट व्हाट अबाउट डिलीट क्या करना है मैं बस ये सिंपल से कहने की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास एक बड़ी लिस्ट हो नॉन ट्रिवियल सही है जी टेल हमारा यहां पॉइंट कर रहा था ये हमारे पास एक टेल पड़ा हुआ है चार बाइट का पॉइंटर ठीक है इसके पास इसका एड्रेस जी अब हमें टेल डिलीट करनी है क्या क्या काम करें समूह बताओ क्या क्या काम करने हैं सेव करना जो था हमने इसका जो अगले टेस्ट जोन का आना उसका नहीं बताओ बताओ मैं कह रहा हूँ हमने टेल डिलीट करनी है टेल डिलीट करनी
तो हमने वो जो डब्बा हम डिलीट करेंगे उसको हमने पीछे पॉइंट कराना है। डिलीट का मतलब फ्री कर। हाँ ये टेल का पॉइंटर है, इसको पीछे कर देना। यही कह तो पहली चीज ये करनी है, ये इस टेल को यहाँ से यहाँ पॉइंट करना। तो पहली चीज ये समझ आएगा, इसका मतलब है कि ये चेंज कैसे करेंगे। टेल इज इक्वल टू टेल टेल एरो प्रीवियस, वेरी इजी। ओके जी, अब एक और भी मसला है, वो ये कि इस मेमोरी को डिलीट भी करना और एक और काम भी करना है। तो ये काम नंबर दो है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि जो आप टेल नहीं बनेंगे उसका जो ये नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है। क्या मुझे ये हिट लगाने की जरूरत है? तो वो काम जो ओ एफ एल में हो रहा था वो हम ओ एफ वन। एक और मसला, अगर आपके पास डबली लिंक लिस्ट होती तो फिर वो स्टैक वाला क्यू वाला मसला भी ना हो, आप किसी को भी यूज कर देते। ठीक है, ये बात समझ आपके जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए और अभी तक वो सवाल नहीं आया। वो सवाल क्या है? मेमोरी वाला। क्या सवाल है? आप तकरीबन नन्हे वाला मेमोरी यूज कर रहे हैं। एक्चुअली तुम देखो तुम्हारा डेटा 4 बाइट का था, अब वो 12 बाइट का हो गया। यानी अगर तुमने डबली लिंक लिस्ट बनाई है और वो सिर्फ इंटीजर के ऊपर बनाई है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप 4 बाइट की जगह हर जो मेमोरी है, एक्चुअली आपने 3 टाइम मेमोरी बनाई है। यू हैव मेड द मेमोरी 3 टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है अगर तुमने 1 GB का डेटा 1 GB का डेटा उठाकर कुछ काम करना था तो तुम्हें 3 GB का डेटा चाहिए। ये रैम में जब वो काम करने लगेगा इस प्रोग्राम में वो एज ए 12 GB काम कर रहा होगा। अगर 3 GB है तो 3 GB है तो वो 9 GB, अगर वो 4 GB है तो वो 12 GB हो जाएगा। इट्स इनसेन। पहले 8 था तो वो पहले 4 बाइट था सर, 8 सर एड्रेस तो था लेकिन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहां पर मेमोरी बहुत ज्यादा यूज हो रही है ना। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसका एडवांटेज यहां नजर नहीं आता। इसका एडवांटेज जो नजर आता है वो तब नजर आता है जब ये जो डेटा है ना, डेटा ये डेटा छोटा डेटा ना, ये डेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा है, ये डेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा एक्चुअली जब आप हार्ड डिस्क के ऊपर फॉर एग्जांपल अपनी फाइलें रखते हैं तो फाइलें कुछ इस तरह बड़ी होती है। बड़ी मजेदार बात है जो बता रहे हैं, आपका जो हार्ड डिस्क है ना वो स्पेशली फ्लैट हार्ड डिस्क। ठीक है, अब ये देखें, ये हार्ड डिस्क हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हार्ड डिस्क हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये लेट्स है ये 50 GB की हार्ड डिस्क। ठीक है, 50 GB की हार्ड डिस्क चाबी देते हैं, प्लीज बात करो। अच्छा आपने ना एक की मूवी रखी वो लेट्स से 10 GB या मेरा लेक्चर रखा है 10 GB। ये 4 GB की आपने कोई एक हमें हार्ड डिस्क पर मूवी रखी, ठीक है, कितनी स्पेस बाकी बची? 40 सर। ठीक है, अच्छा अब आप मेरी बात करो, अब आप दोबारा से एक और मूवी रखते हैं जो फॉर एग्जांपल ब्लू रे में है, जो कि लेट्स से 20 GB। अब आपने तकरीबन इतनी स्पेस वो 20 GB और अगर 20 GB आपके पास चले तो भाई कितनी बचती होगी? उसके बाद आप देखें, अब आपने 4 GB और फिर 4 GB और, ठीक है, उसके बाद आपने 5 GB और
भी ऊपर हो गया अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये 48 हो गया 45 अगर मैं कहता हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 8 GB की फाइल रखी है तो रखी जा सकती है नहीं ठीक है नहीं रखी राइट अच्छा अब एक बात लेट्स से कि मैं ये मनी मूवी डिलीट करूँ आप एक बात पर कितना स्पेस फ्री होगी अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेटा क्या रखा जाना चाहिए रखा जाएगा अगर ये डेटा कंटिग्यूसली रखना चाहते हो तो वो रखा नहीं ठीक है और हार्ड डिस्क पे आप तो दिखाता शायद ऐसे इस फोल्डर के अंदर चीज लेकिन वो रखता कंटिन्यूअसली नहीं है आप जब आप डेटा रखने को कहेंगे तो वो 4 GB के करीब इतना यहाँ रखेगा और जो बाकी 4 GB है वो यहाँ रखेगा ठीक है लेकिन एक और काम भी करेगा इसके एंड में एक 4 byte का एक पॉइंटर रखा होता है जो सिर्फ उसको ये बताता है कि इससे अगला चंक है वो मेमोरी के इस जगह पर आ रहा है अगली एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इसके पास भी ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो मैं डेटा पढ़ा हूं इसका स्टार्ट नहीं है ये इसका प्रीवियस जो है वो ये है ये यहां स्टार्ट ये बात समझ ठीक है अच्छा और ऑफ कोर्स इसका आखिर भी पढ़ा होगा एंड एंड में इसका नाम और उसका प्रीवियस का और इसका भी प्रीवियस पढ़ा होगा और इसका जो प्रीवियस होगा वो क्या होगा बाद में ये मैंने सिर्फ 2 chunk बनाए ये आपको ये मैं 2 chunk दिखा रहा हूँ एक्चुअली हर फाइल जो पढ़ी होती है वो 20 chunks में पढ़ी होती है एक्चुअली जो मजेदार बात है वो ये कि जो हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेट नहीं होती उस हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप उसको कभी खोल के देखें तो उसमें मल्टीपल प्लेट्स होते हैं तो एक्चुअली वो जो डेटा रखता है वो जो हार्ड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर डेटा रखता है वो ऐसे ही रखता है वो पूरी फाइल ऐसे रखता है वो कोशिश करता है कि मैं स्ट्रक्चर्ड करके रखूँ उससे फायदा ये होता है उसको फॉर एग्जाम्पल वो पहला डेटा यहाँ रखता है फिर उसके नीचे रखता है नीचे वाले प्लेट में रखता है फिर नीचे वाले प्लेट में रखता है फिर उसके नीचे वाले प्लेट में रखता है यानी उसका डेटा ऐसे ऐसे पड़ा होता है उसके बहुत फायदा ये होता है कि उसने रीड करना होता है तो पूरी प्लेटें इकट्ठी घूमनी होती है मुझे हार्ड डिस्क पड़ी थी मल्टीपल प्लेट होती है वो प्लेट जब इकट्ठी घूमती है तो वो इकट्ठा रीड करता है अगर एक ही प्लेट के ऊपर पूरा डेटा पड़ा हो तो उसे पूरी रीड करनी पड़ेगी अब मल्टीपल प्लेट्स पर रखने का फायदा ये कि मल्टीपल रीडर होते हैं हर प्लेट का अपना रीडर होता है तो वो इकट्ठा रीड कर सकता है ये समझ में आएगा तो एक्चुअली जो डेटा है वो बड़ा स्कैटर्ड पड़ा होता है ये समझ में आ रही बात अब मैं तुम्हें इन पॉइंटर से करिश्मा बता ये जो पॉइंटर है ना अच्छा आपके हार्ड डिस्क वगैरह पे फॉर एग्जांपल कोई वायरस आया या गलती से आपने कोई फाइल डिलीट कर आप बैठे बड़े बात ये जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है इस हार्ड ड्राइव के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसने एक टेबल रखा हुआ है जिसको एंटी एफएस टेबल
या फैक्ट 32 टेबल या फैक्ट टेबल समथिंग लाइक दैट। आप जो भी हार्डिस्क फॉर्मेट करते हैं ना, आप पूछते हैं मैं किस फॉर्मेट में जो है वो अपने हार्डिस्क को जो है वो फॉर्मेट करना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पता क्या पढ़ा होता है, यहाँ पर पढ़ा होता है फाइल का नाम, ठीक है, यहाँ पर पढ़ा होता है इसका फ्रंट, ओके, यहाँ पर दूसरी का फाइल का नाम पड़ा होता है, यहाँ पे उस फाइल नेम का फ्रंट पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर का मतलब क्या है कि ये फाइल यहां से शुरू होती है, ये फाइल यहां से शुरू होती है, क्या उसको सारे ब्लॉक्स कहां कहां पड़े हुए हैं यार रिकॉर्ड रखने की जरूरत है? बिल्कुल। द ओनली थिंग इट रिमेंबर इज दिस फ्रंट पॉइंटर, पहला पहला उसका ब्लॉक का एड्रेस, ठीक हो गया। अच्छा अगली बात सुनो, जब आप के वायरसेस आते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्टेबल नहीं होता इसमें से ये फ्रंट पॉइंटर कभी नहीं निकलते, ठीक है भैया, मुझे फ्रंट पॉइंटर पड़े ना वो फ्रंट पॉइंटर जाकर खराब। अगर फ्रंट पॉइंटर लूज हो गया यू डोंट हैव एनी आई मीन एनी वे, है ना। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, आपने रिकवरी सॉफ्टवेयर देखे, वो रिकवरी सॉफ्टवेयर एक्चुअली पता क्या करते हैं, वो इस एक्चुअली जब आप कोई भी फाइल डिलीट भी करते हैं ना, वो आपने देखा कॉपी होते हुए बड़ी देर लगती है, डिलीट होते हुए आप एक सेकंड में ही लगता, वो पता क्या कर रहा होता है, वो एक्चुअली सिर्फ फ्रंट पॉइंटर डिलीट करता है, वो जो डेटा है वो कहता है भाई वो डिलीट हो गया। आप अगर आप रिकवरी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो रिकवरी सॉफ्टवेयर बड़ा एक्चुअली होता क्या है, हर जो फाइल होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मूवी की कोई फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट की कोई फाइल है, हर फाइल जो होती है ना उसका कोई अपना हेडर होता है। तो एक्चुअली वो जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर एक फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट के हेडर फाइल पढ़ने हेडर्स को पढ़ने का तरीका बताया। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना उसका खास फॉर्मेट होता है, उसमें पहले कुछ बाइट्स 8 बाइट में फॉर एग्जाम्पल जैसे असेंबली के तुमने कोड लिखा है उसमें वो शुरू में लिखा 0x पर वो जो जंप इंस्ट्रक्शन होती है जो भी है वो उसका असेंबली का कोड होता है। इसी तरह से कॉम फाइल होती है उसका स्पेसिफिकली शुरू में कोई एक वो होता है एड्रेस, ये चीज एज इट इज। इस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट का भी स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये शुरू में मैं ये रखूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो फिर इस पोर्शन में जाते हैं, इस हार्ड डिस्क को लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा स्कैन करते हैं, और जो जो पहला इन्फॉर्मेशन अगर उसको मिल जाती है, यानी उसको पता लगे यहाँ से कोई फाइल है जो मुझे लगता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो भला क्या करता है, वो इस ब्लॉक पे जाता है, इस ब्लॉक से फिगर आउट करता है कि ये ब्लॉक जो है इसका नेक्स्ट किधर, उसका नेक्स्ट किधर, वो और ये प्रूव, और इस तरह से वो पीछे भी जाता है और वो इस प्रीवियस पॉइंटर से कहाँ तक भला भला हो जाएगा जब तक ये नल नहीं बन जाता, और वो पूरी की पूरी फाइल Right. Wow. तो आपको जो अभी तक ये डेटा की डेटा वाली बात इतनी अच्छी नहीं लग रही है, डेटा आपका अभी तक जो आप लिंक लिस्ट में डेटा यूज कर रहे हैं वो एक एक बाइट का चार चार बाइट का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा जब बड़ा होता है तो फिर आपको ये चार चार बाइट के दो पॉइंटर कोई बुरे, ठीक है बस नहीं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये पूरे पूरे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जब कोर्स पढ़ेंगे तो एक्चुअली आपको नजर आए एक्चुअली फाइल में अभी आपकी हार्ड डिस्क में जो फाइल सेव होती है वो किस तरह जाता है, ठीक है जी। यार प्लीज एक बात सुन लें, जब भी कोई सवाल कर रहा हो तो आप प्लीज वो बात सुन लें, क्योंकि अगली डिस्कशन उसी से स्टार्ट होगी। जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फाइल इतने साइज की है तो साइज तो सारा मशहूर है, कितना फ्री होगी इससे? हाँ फ्री हो, डिलीट
तो रिकवरी सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करें तो वो कहते हैं कि क्या आपने दोबारा इसी पे राइड तो नहीं करते। अगर राइड कर दिया तो फिर वो रिकवर नहीं कर सकता, नहीं बात। इसलिए जिस ड्राइव से आपका डेटा डिलीट होना और आप उसे रिकवर करना चाहते हैं ना, उस जगह पर इंस्टॉलेशन भी ना करें। कोशिश करें कि डेटा आपका डी ड्राइव में पड़ा ताकि आपने नई चीज़ इंस्टॉल करना इंस्टॉल भी करना तो आप सी में करें। इसीलिए करें कि आप मल्टीपल ड्राइव बनाएं, आप डेटा अपना सी में ना रखें, वो इसीलिए करें क्योंकि आपने दोबारा इंस्टॉलेशन कर दी है। जब आपका डेटा करप्ट हो गया या आपकी विंडोज करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको जब रीइंस्टॉलेशन करेगा आप सारी सारी फाइल उड़ा देंगे क्योंकि वो ओवर राइटेशन करें और ओवर राइटिंग में आपका पहला ब्लॉक गया हुआ गया सब, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। ओके जी, एक बात बताए, मैं एक और फंक्शन आपको लिखवाना चाह रहा हूं जिसका नाम है एंड नाउ यू विल सी कि वो कितना इजी होगा। इसका नाम है इंसर्ट जी। तो ये दी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप ये इंसर्ट सॉर्टेड कॉल करते हैं और उसमें ये वैल्यू भेजते हैं तो ये अज्यूम करता है कि मेरी जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड, वो क्या है, वो सॉर्टेड, ठीक है। अगर मेरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, अगर मेरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है और मैं कोई नई वैल्यू इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कैन यू राइट द कोड फॉर दैट। प्लीज डिस्कस कि अगर मैंने इंसर्ट सॉर्टेड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझने कि ये फॉर एग्जांपल ये एक लिंक लिस्ट थी, ये अज्यूम कर रहा है कि ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू पड़ी है 10, 20, 30 और 40, ठीक है, और ये ऑफकोर्स ये ना कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये डेटा 35 इंसर्ट करना वो कहता हूँ तो वो किस जगह इंसर्ट होगा, 30 और 40 के दरमियान। ये समझ में आ रहा है कैसे, प्लीज डिस्कस करें कि ये हम कोड कैसे इसमें वो प्रीवियस वाला है ये ना है ना, ये भी 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 है ना, ये
यहाँ पर आप ऐसा करें करंट को यहाँ पर पॉइंट करवा दें और ये करंट वहां है
और ये करंट टू है ओके जी इन दोनों के डेटा को हम कंपेयर करते हैं yes, जिसकी वैल्यू कम है जिसकी वैल्यू कम है हम इस लिस्ट में वो वाली वैल्यू का डॉट इंसर्ट एट फ्रंट या एट बैक कॉल करते हैं इंसर्ट एट बैक कॉल ठीक है हमें अगर हम इनमें से कौन सी वैल्यू फाइव वैल्यू एज ए टेल के तौर पे इंसर्ट विच मींस या Does it make sense? Yes, sir. All right. Are we done? No, sir. क्या होना चाहिए? Sir, second वाले का पॉइंटर आगे मूव करेगा. जबरदस्त. जिसका पॉइंटर की वैल्यू हमने इसमें ऐड करवाई है, उसका पॉइंटर हम एक आगे करेंगे. ये समझ में आई बात? Yes, sir. जी. अब दोबारा कंपैरिजन होगा. कौन सी वैल्यू छोटी है? तो ये वाला करंट आगे मूव हो जाएगा और ये वैल्यू का इंसर्ट दोबारा इस लिस्ट का दोबारा से डॉट इंसर्ट कॉल होगा और ये वैल्यू यहां पर ये समझ में आएगा यही काम हम बार बार करते हैं जब तक क्या ना हो जाए दोनों नल नहीं हो गए अगर क्योंकि एक दफा हम हर एक्चुअली लूप मल्टीपल में लगे हुए हैं हमें इंटरेस्टिंग थिंग इज कि देखो एक लूप में ये लगा हमें एक लूप में ये दोनों के दोनों चल रहे हैं फिर उसके बाद एक और लूप प्रभाव हो गया ये लिस्ट पहले खत्म होगी तो ये पूरी करनी पड़ेगी और अगर ये लिस्ट खत्म होगी तो ये पूरी करनी पड़ेगी एक्चुअली तीन लूप हो गए लेकिन नेस्टेड लूप नहीं हो एक लूप होगा फिर दोबारा उसके बाद एक और दोबारा लूप होगा और फिर दोबारा लूप लेकिन वी नो ये इस लिस्ट को बनने में ओ ऑफ एन टाइम लगेगा ठीक है इसका मतलब है दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट अगर आपके पास हो दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट अगर आपके पास हो तो आप उन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं कितने टाइम में ये बात समझा Everybody understand? Yes, sir. Okay? All right. You have a linked list and another linked list. Both of them are sorted. And if they are sorted, then I can merge them in all okay. time. Okay? Yes, sir. All right. एक और बात है। बाद में ये मैंने linked list जानबूझ के use किया। अगर आपके पास एक array हो और एक दूसरी array हो, दोनों सॉर्टेड ये लिस्ट है ए और ये लिस्ट है बी और आपने एक सी बना ली और ये दोनों सॉर्टेड है तो इनमें यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी जो इन दोनों में से छोटी होगी और इसका पॉइंटर आगे चला प्लस हो जाएगा ये दोनों सॉर्टेड अरे से भी अगर आपने सॉर्टेड अरे बनानी हो तो वो भी कितने टाइम में होगी डू यू एग्री ऑलराइट अच्छा अभी तक जो हमने एल्गोरिथम किए थे अभी तक जो हमने एल्गोरिथम किए थे वो जो सॉर्टेड एल्गोरिथम सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिथम किए थे एन स्क्वायर टाइम है ना वो एन स्क्वायर टाइम है यानी दो नेक्स्ट लूप लगे होते थे वो यानी एन की वैल्यू अगर वन अगर n की वैल्यू 1 बिलियन है ठीक है तो वो जो टाइम लगता था वो तकरीबन बिलियन टाइम मिली ठीक है तो ये अगर और 1 मिलियन है तो 1 मिलियन टाइम 1 बिलियन टाइम
ठीक है और हम जो अभी एल्गोरिथम बनाने के लिए जा रहे हैं और इससे सिग्निफिकेंटली कम ओके और जो एल्गोरिथम है इतना सिंपल है अच्छा आइडिया इतना सिंपल है कि हमें उसका नाम है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस आइडिया कि अगर दो लिस्ट मुझे मिली हुई हो या दो अरेज मुझे मिली हुई हो ठीक है और दोनों की दोनों सॉर्टेड है तो उनको मर्ज करने में मुझे कितना टाइम लगता है बहुत टाइम सही हो गया और जी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये आपके पास एक बड़ी अरे थी यहां से लेकर यहां आपने इसको सॉर्ट किया ठीक है आप पहले कहते हैं आप जाते बबल सॉर्ट में ये कंपाइल करते रहे तक जाते फिर कंपाइल करते जाते अब ये एन स्क्वायर टाइम हम आप ये नहीं करते अच्छा हम क्या करते हम ये करते हैं कि ये हमें अरे नहीं लिया ना है हमें ये अरे नहीं लिया हम इस अरे को हाफ करते हम इस अरे को हाफ करते अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये जो अरे बन गई ए बन गई और ये अरे जो बन गई वो क्या बन गई बी अगर ये लिंक लिस्ट हुई तो मैं इसको हाफ इसमें डालूंगा और हाफ में ठीक है इसमें राफ नहीं बाद में हाफ अलग करने में हाफ अलग करने में मुझे कितना टाइम लगेगा एंड एंड टाइम लगेगा ठीक है ना ये लिस्ट पर बनाई ये हाफ इसमें कॉपी की और हाफ कितना टाइम लगेगा एंड टाइम लगेगा अभी तक मुझे कोई मसला ठीक है ऑलराइट सो हियर इज व्हाट आई डू द फॉलोइंग मैं कहता क्या हूं मैं ये कहता हूं कि देखो इसका नाम है इसे कहते हैं मर्ज सॉर्ट और ये अरे मिली हुई थी इसका नाम है फॉर एग्जांपल डेटा और इसका साइज है एन ठीक है जी ये करता क्या है ये अरे से ए बनाता है और इस डेटा में से वन से लेकर एन बाय टू तक इसमें कॉपी करता है और एक बी बनाता है और इसमें क्या करता है एन बाय टू प्लस वन से लेकर एन तक सारी इसमें ठीक है जीरो से बना होगा ठीक है और ये से हाफ हाफ ठीक है लिंक लिस्ट होगी तो वो हाफ लिंक लिस्ट इसमें और हाफ लिंक लिस्ट ठीक है ये काम करने में उसे कितना टाइम लगा वो फाइन और ये काम करता है इसके बाद एक्चुअली दिस रिटर्न टाइप होती है वो एक अरे ही या लिंक लिस्ट होती है ठीक है यानी कि ये अरे ही ये अरे का पॉइंटर है अच्छा अब वो क्या करता है वो दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल करता है बट नाउ ऑन दिस ए और कितना शायद होगा इसका और दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल करता है किसके लिए बी के और ये ही असाइन कर देता है ए को और यही असाइन कर देता है ए ठीक है ये मैं बहुत ही सिंपल कोड की फॉर्म में लिख रहा हूं मतलब ए से ए बी बी बल ए से तो बी को करता है दोनों बी सॉरी ये बी को करता है ये या बी और बी या बी ठीक है अच्छा बाय द वे ये काम जो है वो रिकर्सिवली हो रहा है मुझे नहीं पता कितनी देर में ये अरेस्ट ने कॉपी किया वो फेड टाइम कॉपी किया वो फेड टाइम उसके बाद वो पता करता है ये ना हमने पीछे वाला काम किया था ना मर्जिन का ये जो ए आता है ना इसके पास आंसर ये एक सॉर्टेड अरे और ये जो बी आता है ये भी एक सॉर्टेड अरे और ये कहता है कि मर्ज कर दो ए और बी को और सेव कर दो किसके अंदर सी के ठीक है तीन लाइन का कोड है अब कुछ भी नहीं और ये फंक्शन क्या ही होगा तो हेयर इज द आइडिया इज कि आपके पास एक अरे मिली हुई है आप क्या करना चाहते हैं आप उसे सॉर्ट करना चाहते हैं आप कहते हैं मुझे इस हाफ अरे को सॉर्ट ये फंक्शन के अंदर मुझे डिटेल जानने की जरूरत है नहीं क्यों क्योंकि ये मेरी रिकर्सिव कॉल और रिकर्सिव कॉल मुझे इसका हाफ का आंसर दे देगी ये हाफ अरे मुझे सॉकेट मिल जाती है और ये हाफ अरे मुझे सॉकेट मिल जाती है ठीक है अगर ये दोनों हाफ अरे मुझे सॉकेट मिल जाए तो इन दोनों को मर्ज करने में मुझे इतना टाइम लगता है ऑफ एंड ये
सवाल ये रह गया कि जो ये जो कॉल बनेगी किस तरह बनेगी, ये तुम्हारे पास पहली कॉल थी जो कि अरे की हुई थी, वन से लेकर कहां तक थी वो एन तक थी, एन तक थी, ये डेटा की, ये डेटा का दोबारा कॉल गई किसके ऊपर, ए वन से लेकर एन बाय टू तक, और ये दोबारा से एक्चुअली इसी डेटा के ऊपर ही होगी तकरीबन, और ये कहां जाएगी एन बाय टू से लेकर एन तक, ये क्या हुआ, ये मजीद हाफ हो जाए, ये मजीद हाफ, ये मजीद हाफ हो जाए, ये मजीद हाफ, यानी अगली रिकर्सिव कॉल के ऊपर ये चार, ये दो कॉल है चार कॉल में कन्वर्ट हो गई, अगले पे क्या हुआ, ये आठ हो गए, अच्छा अगले पे क्या हुआ, ये 16 हो जाए, ये कब तक नीचे आता रहे, जब इसका साइज एग्जैक्टली एक हो जाए, जब साइज एग्जैक्टली एक हो जाएगा तो क्या मुझे मजीद ब्रेक करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि भाई अरे का साइज एक वन है, और एक साइज की जो अरे होती है वो सॉर्टेड होती है,